और ये मामला जांजगीर चांपा के कोणार्क महाविद्यालय का है, जहां पर 34 प्रवासी मजदूरों को क्वारंटीन किया गया था, जिन्होंने सरपंच और सचिव से लड़ाई झगड़ा किया और सार्वजनिक तालाब में नहाने चले गए। इसके बाद ड्यूटी कर रहे सचिव ने जांजगीर थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने सभी मजदूरों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है, सभी को क्वारंटीन सेंटर भेज दिया है और दोबारा गलती न करने की हिदायत दी है। चौंतीस प्रवासी मजदूरों के खिलाफ इस तरह का उल्लंघन करने पर आईपीसी की धारा 188, 294, 147 आईपीसी के तहत और साथ ही तीन महामारी अधिनियम के तहत इन सभी के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध किया गया है और इन सभी प्रवासी मजदूरों को वापस उस क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया और उन्हें फिर से ऐसी कोई हरकत नहीं करने की समझाइश दी गई है। अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज में खाने के नाम पर